अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि भाई आपको जो है ना जेस कैश के अकाउंट से टेलीनोर इजी पैसा अकाउंट में पैसे नहीं भेजने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं इस पे जो है ना डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो फाइनली ये डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों रिसेंटली क्या किया मैंने, मेरा एक दोस्त ने क्या किया कि जेस कैश के अकाउंट से टेलीनोर इजी पैसा अकाउंट में 8000 रुपये की रकम सेंड की थी। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जेस कैश के अकाउंट से जब आप रकम सेंड करते हैं जेस टू जेस, तो वो रकम फौरन सामने वाले के अकाउंट में अपडेट हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब आप जेस कैश के अकाउंट से टेलीनोर इजी पैसा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ के हाथ जो है ना रकम उसी टाइम अपडेट हो जाती है, हैंड टू हैंड, मतलब जब आपने सेंड किए उसी टाइम अपडेट हो गई रकम, तो वो पैसे उसी टाइम उसको मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने रकम भेजी, ठीक है, और सामने वाले को एक घंटे बाद रिसीव हुई है, मैसेज आ जाता है उस टाइम पे, लेकिन अकाउंट में जो है ना पैसे अपडेट नहीं होते। उसमें एक घंटा भी लग जाता है, डेढ़ घंटा भी लग जाता है, 15 मिनट भी लग जाते हैं, 20 मिनट भी लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तकरीबन आज एक हफ़्ता होने वाला है और सामने वाले को पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, ये आप मेरे बराबर में स्क्रीनशॉट देख लें। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूं कि ये मैंने 6-7 दिन पहले पैसे सेंड किए थे, ये पैसे अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि भाई जेस कैश के अकाउंट से टेलीनोर इजी पैसा अकाउंट में आप लोगों को पैसे नहीं सेंड करने चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, इसमें बैड कमेंट भी आ जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों के इख्तलाफात भी होते हैं, तो ये इख्तलाफात होते रहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनको भी लोग गालियाँ देते हैं कमेंट्स में, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले आप बुरा कहें, भला कहें, कुछ कहें, वो आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम है अपने काम को कंटिन्यू रखना, तो हम अपने काम को कंटिन्यू रखते आएंगे। आपको जो अपनी राय देनी है आपको बिल्कुल अख्तियार है, आप अपनी राय दे सकते हैं, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है आप क्या कमेंट्स देते हैं। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि भाई आपको जेस कैश के अकाउंट से टेलीनोर इजी पैसा में पैसे नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है, ये एक रिस्क है, आपको नहीं भेजने चाहिए। और टेलीनोर इजी पैसा से आपको जेस कैश में पैसे नहीं भेजने चाहिए, ये भी रिस्क है। जेस टू जेस आप भेज सकते हैं, टेलीनोर टू टेलीनोर भेज सकते हैं, ये रिस्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी जेस से आप टेलीनोर इजी पैसा में सेंड करेंगे तो ये रिस्क हो सकता है, और टेलीनोर से आप जेस में सेंड करेंगे तो ये भी रिस्क हो सकता है। फिर जब आप कंपनी कॉल करेंगे कॉल सेंटर पर कि भाई ये हमारे साथ मसला हो गया है, तो वो आपको सिर्फ टाइम टू टाइम जो है ना देते रहेंगे कि भाई 12 घंटे वेट कर लो, 12 घंटे वेट करेंगे तो उसके बाद फिर बोलेंगे आपको 24 घंटे वेट कर लो, 24 घंटे आप वेट करेंगे तो उसके बाद आपको बोलेंगे 36 घंटे वेट कर लो, 36 घंटे के बाद फिर आपको बोलेंगे भाई अब 72 घंटे 72 आवर्स वेट कर लो। तो दोस्तों इस तरह हमारे साथ ये दूसरी मरतबा हुआ है, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले भी ऐसा सीन हमारे साथ हो चुका है। क्या हुआ कि हमने पैसे सेंड किए जेस कैश के अकाउंट से, ठीक है, उसमें 2000 की रकम हमने सेंड की थी, तो वो क्या हुआ एक अनरजिस्टर्ड नंबर था उस पर सेंड हो गए। अब ये तो आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है कि अनरजिस्टर्ड नंबर पर जो है ना पैसे सेंड हो जाने चाहिए, लेकिन हो गए, बल्कि ये तो होना ही नहीं था। एक अनरजिस्टर्ड नंबर पर पैसे किस तरह जा सकते हैं, आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। तो भाई जब भी आप जेस कैश से पैसे सेंड करें या आप टेलीनोर इजी पैसा से पैसे सेंड करें, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि भाई जिस बंदे को मैं पैसे सेंड कर रहा हूँ उसका नाम आ रहा है, हर चीज़ आपको वेरीफाई करके उसके बाद आपको ये पैसे सेंड करने चाहिए। इस तरह आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आपकी रकम जो है ना चली जाएगी और इसकी कोई भी किसी भी किस्म की रिवर्सल नहीं होती। जैसे आप इजरोड करवाते हैं तो वो गलत हो भी जाता है तो वो रिवर्सल हो जाता है, लेकिन जब आप अकाउंट में पैसे किसी को सेंड करते हैं तो उसकी कोई भी किसी किस्म की रिवर्सल नहीं होती, ये कंपनी आपको कहती है। तो दोस्तों मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जेस कैश के अकाउंट से टेलीनोर के अकाउंट में पैसे कभी भी सेंड ना करें और टेलीनोर के अकाउंट से कभी भी जेस में पैसे सेंड ना करें, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है।
अगर ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है और आपके पैसे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। दोस्तों अभी वीडियो को यहां ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।